नमस्कार नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कालाबाजारी करने के लिए अंधेरे में दुकान पर रखे गए 272 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। इस मामले में सीबीआई ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर दवा की भारी कमी देखने को मिल रही है। मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। 40-50 किलोमीटर सफर तय करके ये लोग ये दवाई लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा दुकानदार एमआरपी से ज्यादा कीमत पर भी दवाओं को बेच रहे हैं। कुछ इसे स्टॉक करके ब्लैक में बेच रहे हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के परभणी जिले में एमआरपी से अधिक कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटक से लदी एसयूवी मामले में सचिव आदित्य की रिमांड आज खत्म हो रही है। वहीं पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक लगातार दो दिन उनसे लंबी पूछताछ हो चुकी है और अब भी वो शक के दायरे में है। प्रदीप शर्मा को फिर से बुलाया जा सकता है। इस बीच अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई अब तक परमवीर सिंह और सचिन वाजे सहित पांच लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। आज बार वालों की तरफ से पैसे पहुंचाने वाले व्यक्ति को बुलाया जाने की संभावना है। आपको बता दें कि एनआईए ने प्रदीप शर्मा से लगातार दूसरे दिन 9 घंटे लंबी पूछताछ की। गुरुवार को दोपहर 1 बजे वह एनआईए के दफ्तर पहुंचे थे और करीब 10:15 बजे वहां से निकले। पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान बाकी हैं और पार्टियां चुनाव सभाएं करने में जुटी हैं। इसी सिलसिले में अपने चुनावी अभियान से वापस लौट रहे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गिरेंद्र नाथ बर्मन की गाड़ी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला किया। गिरेंद्र नाथ बर्मन पश्चिम बंगाल की माथाभांगा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और गुरुवार शाम को वो अपने क्षेत्र में चुनावी कैंपेन कर लौट रहे थे कि तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। टीएमसी कार्यकर्ता ने बताया कि भाजपा के गुंडों ने उनकी कार तोड़ दी, उनकी कार पर हमला किया और उन पर भी हमला किया। टीएमसी कार्यकर्ता ने बताया कि उनके सर में चोटें आई हैं और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडियन प्रीमियर लीग का मेला आज से सज जाएगा। आईपीएल के 14वें सीजन के शुरू होने में चंद घंटे बचे हैं। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेलगुरु के मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस बार का आईपीएल कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए टूर्नामेंट बिना दर्शकों के खेला जाएगा। 30 दिनों तक चलने वाला ये टूर्नामेंट 6 शहरों में खेला जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण लीग का आयोजन वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित माहौल में होगा और दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ 5 महीने में 2 आईपीएल टूर्नामेंट संबंधित हितधारकों के लिए आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन कोविड-19 मामलों की दूसरी लहर के बीच प्रशंसकों के लिए अगले 7 हफ्ते काफी रोमांचक होंगे, जहां उन्हें बड़े छक्के, सटीक यॉर्कर्स और नई प्रतिभा देखने को मिलेगी। सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। लीग स्टेज में सभी टीमें 6 वेन्यू में से 4 पर अपना मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट में 56 मैच होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं तो वहीं 2 आतंकवादी मस्जिद के अंदर छिपे हैं और सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि त्राल में चल रही मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। अब तक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और मुठभेड़ अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक त्राल में चल रही मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी भी मारा गया है। कश्मीर जोन पुलिस में बताया गया है कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़।